तीस मार खां। लेखक डॉक्टर उमेश चमोला। चोरों ने आतंक मचा रखा था। हर दिन गांव के किसी न किसी के घर में चोरी होने का समाचार मिलता। सब परेशान थे। उसी गांव में टिपरू नाम का एक आदमी रहता था। एक बार वो कहीं से वापस लौटकर घर आ रहा था। रास्ते में रात हो गई। उस रास्ते में एक गुफा यानी उडियार दिखाई दी। वो उसके अंदर रात बिताने की सोच ही रहा था कि तभी गुफा के अंदर कुछ लोगों की बातें सुनाई दी। उन बातों से उसे पता चल गया कि वो चोर हैं। वो गुफा बड़ी थी। उसमें अंदर जाने और आने का एक ही रास्ता था। इस संकरे रास्ते में अंदर आने के बाद कुछ गहराई में वो गुफा थी। टिपरू के मन में एक विचार आया। उसने गुफा के प्रवेश द्वार को एक बहुत बड़े पत्थर से ढक दिया और भागकर अपने गांव आ गया। दूसरे दिन सुबह वो उसी गुफा के बाहर आया। उसने गुफा के प्रवेश द्वार का वो पत्थर हटा दिया। अंदर देखा तो दो चोर दम घुटने के कारण मर गए थे। उसने गांव वालों को बुलाया और अपनी शेखी बगाड़ते हुए बोला, गांव वालों, कल रात मैंने इन चोरों को अपने से इतनी धुनाई की कि ये मर गए। गांव वालों ने देखा उस बड़ी गुफा में 30 चोरों की लाशें थी। इसलिए गांव वालों ने टिपरू का नाम 30 मार खां रख दिया। इस घटना से उस गांव में टिपरू का मान सम्मान बढ़ गया। टिपरू के यश की चर्चा राज दरबार तक भी पहुंच गई। कुछ समय बाद दूसरे चोरों ने आतंक मचाना शुरू कर दिया। उन्होंने राज दरबार में भी चोरी कर ली। राजा ने चोरों को पकड़वाने के बहुत प्रयास किए, लेकिन एक भी चोर हाथ नहीं आया। राजा ने चोरों को पकड़वाने के लिए अपने दरबारियों की एक सभा बुलाई। इस सभा में वजीर ने राजा को 30 मार खां के बारे में बताया। राजा ने एक दूत 30 मार खां के पास भेजा। 30 मार खां ने दूत का संदेश प्राप्त कर लिया। वो सोचने लगा, यदि मैं राजा की आज्ञा का उल्लंघन करता हूँ तो राजा मृत्युदंड की सजा देगा। अगर मैं राजा की आज्ञा का पालन करता हूँ तो चोर मुझे मार डालेंगे। दोनों स्थितियों में मुझे खतरा है, इसलिए मुझे राजा की आज्ञा का पालन करना चाहिए। अंत में उसने राज दरबार में जाना ही उचित समझा। वो घर से राज दरबार जाने को तैयार हुआ। उसकी पत्नी ने रास्ते के लिए अरसे बनाए। जब वो अरसे बनाने के लिए ओखली में चावल कूट रही थी कि तभी वहां सांप आ गया। उसकी पत्नी ने सांप को नहीं देखा। चावलों के साथ जहरीला सांप भी कूटा गया। अपने पति को विदा करते हुए 30 मार खां की पत्नी बोली, मुझे ईश्वर पर पूरा विश्वास है, तुम कुशल घर आओगे। रास्ते में तुम्हें भूख लगे तो इन अरसों को खा लेना। 30 मार खां राज दरबार की ओर चलने लगा। रास्ते में रात हो गई। उसे वहां चार आदमी बातें करते हुए मिले। वो कह रहे थे, सुना है राजा ने हमें पकड़वाने के लिए 30 मार खां नाम के आदमी को बुलाया है। हमें उसे किसी भी दशा में जीवित नहीं छोड़ना है। 30 मार खां पेड़ की ओट से चोरों की ये बातें सुन रहा था। घबरा कर उसके मुंह से चीख निकल पड़ी। वो डर के मारे बेहोश हो गया। चोर समझ गए, ये वही 30 मार खां है। चोरों को जोर की भूख लगने लगी। उन्होंने तय किया कि पहले 30 मार खां के पास जो अरसे हैं उन्हें खाया जाए, फिर इसे मारेंगे। उन्होंने वो अरसे बांटकर खा लिए। अरसे खाने के बाद चोरों को जहर का नशा चढ़ने लगा। थोड़ी देर में वो मर गए। 30 मार खां को अब होश आ गया था। उसने सोचा कि वो चोरों से कहेगा कि वो 30 मार खां नहीं है, चोर उसे जिंदा छोड़ देंगे।
उसने चोरों को ध्यान से देखा। उनकी हालत देखकर वो समझ गया कि चोर मर चुके हैं। यद्यपि उसे चोरों की मौत का कारण पता नहीं था, 30 मार खां राजा के दरबार में गया। वो राजा से बोला, महाराज मैंने उन चोरों को रास्ते में ही मार दिया, आप उनकी लाशें जंगल में देख सकते हैं। राजा ने 30 मार खां को राज दरबार में नियुक्त कर लिया। वो अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक राजमहल में रहने लगा।